मतलब हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसके लिए वैसे कम से कम 5 चीजें ढूंढ ले कि जो उसको डेली करनी है। जैसे मान लो मुझे, जैसे ऑथर का एग्जांपल मैं दे रहा था, तो डेली कम से कम एक पेज लिखूंगा तब ना जाकर के कुछ दिनों बाद कोई किताब कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इसे बोलते रूल ऑफ 5। अब देखो इसको, ये रूल ऑफ 5 आया कैसे, तो मान लो इसका एग्जांपल ये था कि एक तुम्हारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है तुम्हारे घर के बाहर और तुमको वो पेड़ काटना है। तो उस पेड़ को काटने का तरीका क्या है? अगर मैं तुमको बोलूं कि हर दिन वहां पे जाओ और केवल एक कुल्हाड़ी दी है तुमको मैंने, उस कुल्हाड़ी से 5 बार उसको हिट करो, ठीक है, हर दिन केवल 5 बार हिट करना है, 6th टाइम हिट नहीं करना है, वापस आ जाओ। हर दिन तुम जाओ, तुम अब डेली यही काम कर रहे हो, हर दिन जा रहे हो उस पेड़ को 5 बार हिट कर रहे हो और वापस आ जा रहे हो, अगले दिन जा रहे हो 5 बार हिट कर रहे हो वापस आ जा रहे हो, फिर अगले दिन जा रहे हो। अब एक चीज जो है वो श्योर है इस पूरे प्रोसेस में, तुम बताओ क्या चीज श्योर है? श्योर चीज ये है कि कुछ दिनों बाद वो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। सिर्फ 5 बार तुम हिट कर रहे थे डेली, बहुत बड़ा पेड़ था, तुमको पहले इम्पॉसिबल लग रहा था कि यार इतना बड़ा पेड़ कैसे कटेगा, धीरे धीरे तुमने क्या किया, ठीक है यार मैं हर दिन 5 हिट करूं, केवल कुल्हाड़ी के 5 बार करने हैं, तो धीरे धीरे पेड़ कट जाएगा, मानते हो इस चीज को? सेम गोज विद अवर एम ऑल्सो, हम बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, अब हम वो लक्ष्य तो बना लिए, अब हमको लगता है कि ये लक्ष्य कैसे मिलेगा हमको, ये बड़ा कठिन लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, जैसे बड़ा पेड़ है वैसे बड़ा लक्ष्य है। तो वही चीज, वही 5 चीज जो मैंने बोला कि आपको ऐसी 5 चीजें ढूंढनी है जो कि आपको वो लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगी, और हर दिन वो 5 चीजें करनी है। जैसे कि सपोज यूपीएससी निकाल रहे हैं, अब यूपीएससी निकाल रहे हैं तो 5 चीजें कौन सी है कि हर दिन आप आंसर राइटिंग करें, हर दिन आप रिवीजन करें, हर दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ें, हर दिन आप जीएस पढ़ें, हर दिन आप ऑप्शनल पढ़ें। अब ये 5 चीजें अगर तुम डेली करते जा रहे हो तो धीरे धीरे ये वही 5 स्ट्राइक्स हैं जो आप पेड़ पे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको वो लक्ष्य भी मिल जाएगा, जैसे पेड़ कट गया था वैसे ही यूपीएससी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी मेहनत करनी है ये डिपेंड करता है कि पेड़ कितना बड़ा है, अगर मान लो छोटा पेड़ होता तो कुछ दिन पहले ही गिर जाता, जैसे एसएससी किसी को निकालना है तो कुछ दिन पहले निकल जाएगा, और छोटा पेड़ है बहुत, कोई वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो और पहले अचीव कर सकता है, बट वो लॉ ऑफ 5 वही काम करता है, 5 स्ट्राइक डेली एंड तुम्हारा एम तुमको मिल जाएगा, कितना ही बड़ा एम। सही।